तो हम आ गए अपने नए वीडियो के साथ। तो आज का हमारा ये वीडियो है कि इंडिया से पोलैंड आने के लिए कितना टोटल एक्सपेंस होता है। तो ये सब ये क्वेरी क्वेश्चन वगैरह थे लोगों के कि भाई एक वीडियो बनाओ जिसमें हम कैलकुलेट कर सके कि भाई कितने एक्सपेंस एवरेज होगा। तो इस वीडियो में हम पूरा यही बात करेंगे। तो लास्ट तक वीडियो देखो, और वीडियो देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना, और दूसरी बात की शेयर कर दो फ्रेंड्स फैमिली के साथ, किसी को भी ये वीडियो काम आ जाएगा। तो प्लीज एक सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना वीडियो देख रहे हो। तो सीधा चलते हैं अपने टॉपिक पे। हेलो, तो जैसे हमारा टॉपिक है रिगार्डिंग वैसे ही कि कितना एक्सपेंस होता है इंडिया से आने के लिए। तो पहला है एप्लीकेशन करनी रहेगी, तो एप्लीकेशन के लिए आपको जो फीस पेमेंट करना रहता है, जो एप्लीकेशन फी रहती है 20 यूरो या 50 यूरो जितना होता है, यूनिवर्सिटीज के हिसाब से अलग अलग तरीके से होता है। तो पहला एक्सपेंस हुआ कि हमारा यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन फीस। दूसरा है जो आप डॉक्यूमेंटेशन है आप अपोस्टाइल के लिए भेजना पड़ेगा आपको, तो वो अपोस्टाइल का एक्सपेंस हो जाएगा आपका 5000 INR। उसके बाद है तो आपको लेना पड़ेगा हेल्थ इंश्योरेंस, जिसको आप किसी भी कंपनी का ले सकते हो। तो उसके लिए एवरेज जो रहता है ये 12 से 13 हज़ार रुपये के लिए रहेगा। तो 12 से 13 हज़ार हमारा हो गया मेडिकल हेल्थ ट्रैवलिंग इंश्योरेंस। उसके बाद है तो उसके बाद हमारा आएगा फीस पेमेंट। फीस पेमेंट है तो 2 साल की फीस है 5,50,000 के करीब रहेगा, 5,00,000 से 5,50,000 के बीच में रहेगा। तो 5,50,000 एवरेज ले लो तो इतनी हमारी फीस रहेगी। इंडिया से स्टार्टिंग में आने के लिए पहले साल की आपको फीस पेमेंट करना पड़ेगा, वो तकरीबन रहेगा 2,60,000 2,16,000 INR। उसके बाद आप जाओगे वीजा इंटरव्यू के लिए। वीजा इंटरव्यू के लिए आपको पेमेंट करना रहेगा 5,000 INR, जो यानी कि वो एवरी ईयर कुछ चेंज होता रहता है, 200-300 ज़्यादा हो सकते हैं, कम हो सकते हैं। तो उसका एवरेज है 5,000 INR, वो हो गया आपके। उसके बाद है कि आपकी फ्लाइट टिकट, फ्लाइट टिकट भी आप पे है कि कैसी आपको फ्लाइट लेनी है। मैं आया था, मेरी फ्लाइट की टिकट थी 32,000, लेकिन एवरेज लेके चलो तो होता है 50,000, 50,000 एवरेज लेके चलो फ्लाइट टिकट का। उसके बाद है तो आपका शॉपिंग आ गया। शॉपिंग के लिए आपको शॉपिंग आपके ऊपर ही है, लेकिन एवरेज लेके चलो 50,000, इतना हो गया। इसके बाद है हमारा कि आप यहाँ पे आ रहे हो तो आप कितने पैसे वहाँ से यहाँ लाओगे आपके साथ। तो एवरेज में बोल रहा हूँ, मतलब कि 50,000 से 60,000 लेके आओ, ठीक है, यहाँ पे 2-3 महीना निकल जाएगा, 2 महीना आराम से निकल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप जॉब ढूंढ वगैरह के आप कर सकते हो। तो 50,000 उसका ले लो। एक जो बड़ी चीज़ है कि हमको दिखाना रहता है पैसा, अपने फंड दिखाना रहता है अकाउंट में, या कुछ भी आपका लिक्विड फंड हो वगैरह, पीएफ है, फिक्स डिपॉजिट है, बैंक में आपका पैसा है, ये दिखाना रहेगा आपको। ये आपके ऊपर है, आप कैसे भी दिखा सकते हो, लेकिन वो दिखाने के लिए आप एवरेज दिखाओ 10 से 11 लाख रुपया, 10 से 11 लाख आपको दिखाना पड़ेगा। उसके बाद आप उसको कभी भी विथड्रॉल कर सकते हो वीजा आने के बाद, लेकिन 10 से 12 लाख आपको दिखाना पड़ेगा। तो ये सब हो गया, इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करें तो हमको यहाँ पे इंडिया से पोलैंड आने के लिए हमको चाहिए, सिर्फ इंडिया से पोलैंड आने के लिए हमको चाहिए 14 लाख रुपए, जिसमें हमारा पहले साल की फी आ गई, वहाँ से सब एक्सपेंस आ गया, फ्लाइट टिकट वगैरह आ गई, यहाँ के दो तीन महीने का खर्चा भी आ गया। तो टोटल एक्सपेंस है 14 लाख INR, 14 लाख INR जो हमको इंडिया से पोलैंड आने के लिए चाहिए। तो ये वीडियो था हमारा कि भाई वहाँ से इंडिया से आने के लिए हमको कितना एक्सपेंस होगा। तो आप लोगों की क्वेरी पे मैंने वीडियो बनाया है, आप लोगों की क्वेश्चन पे वीडियो बनाया है। तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को शेयर भी कर दो, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ वीडियो भी शेयर करो, वीडियो को लाइक दो। तो प्लीज़ इतना कर दो, मैं आपके लिए इतना
कर रहा हूँ, मेरे साइड से पूरा एफर्ट्स में डाल रहा हूँ कि आपको जो जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो मैं प्रोवाइड कर सकूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और दूसरी बात कि आप लोगों के साइड से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, सब वीडियोज़ पे अपने अच्छे व्यू भी आ रहे हैं, 1.5 के 1.4 के व्यू है हमारे। तो प्लीज़ सब लोग वीडियो देख, एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। आपको कुछ क्वेरी वगैरह हो तो मुझे आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी मैसेज या डीएम कर सकते हो, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। मैं पहले भी बताता आया हूँ कि भाई आपको कुछ भी क्वेरी क्वेश्चन वगैरह हो मुझे कमेंट में बताओ, फेसबुक इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करो, मैं आपको श्योर रिप्लाई दूंगा। मेरा रिप्लाई लेट आएगा लेकिन श्योर 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 मैं आपको रिप्लाई दूंगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अपने नए वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।